हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं मुकुंद सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकुंद मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म रिलेटेड टू मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक टू बी कवर्ड, मतलब इसमें हम इतने टॉपिक क्लियर करेंगे। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट इज मैथमेटिक्स, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिशियन, फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथ्स, टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम, लिस्ट ऑफ नंबर्स, अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड इट्स टाइप, मेंसुरेशन एंड इट्स टाइप, ज्योमेट्री एंड इट्स टाइप, लिस्ट ऑफ लाइन्स, एंगल एंड टाइप ऑफ एंगल्स, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस एंड इट्स टाइप, फादर ऑफ ऑल मैथमेटिक्स, लिस्ट ऑफ प्लेन फिगर एंड लिस्ट ऑफ सॉलिड फिगर। इट मीन्स इस वीडियो में टोटल 21 पॉइंट पे हम बात करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के बारे में जानेंगे कि कहाँ से आया है। तो मैथ इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैथेमा। अगर सिर्फ हम मैथ बोलते हैं तो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम था मैथेमा। मैथेमा एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जिससे मैथ लिया गया है। और मैथमेटिक्स अगर हम बोलते हैं तो मैथमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक एक ग्रीक वर्ड है, इसी से मैथमेटिक्स लिया गया है। और मैथेमा और मैथमेटिक मीन्स नॉलेज लर्निंग, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है सीखी जाने वाली वस्तुएं। मैथ, मैथ्स, मैथमेटिक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? गणित होता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नंबर्स, क्वांटिटी, शेप, साइज एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। इसका मतलब क्या होगा कि मैथमेटिक्स विज्ञान का वह भाषा है जिसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, शेप के बारे में पढ़ते हैं, साइज एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बीच में जो भी रिलेशन बनेगा उसे हम मैथमेटिक्स कहेंगे। हिंदी में शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि गणित वह शास्त्र है जिसमें गणना की प्रधानता हो, उसे हम गणित कहते हैं। इसको हम एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं कि काउंटिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। इसका मतलब यही है, गणना का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ एनीथिंग। अगला यहाँ डिजिट, डिजिट क्या लिखा हुआ है कि इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज सिम्बॉल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दिस सिम्बॉल इज कॉल्ड डिजिट। हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सिम्बॉल होता है, मतलब जो नंबर हम लोग लिखते हैं 0 to 9, यही आपका डिजिट कहलाता है। इट मीन्स देयर आर 10 डिजिट इन मैथमेटिक्स, द कम्बिनेशन ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर। मतलब डिजिट को हम नंबर बोल सकते हैं बट नंबर्स को डिजिट नहीं बोल सकते हैं, वो एक्सेप्शन है। जब इसे हम कंबाइन कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? नंबर्स बोलेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 292, ये आपका क्या है? एक नंबर है, बट इसमें डिजिट पूछेगा तो कितना बताओगे आप? 1, 2 and 3। तो डिजिट की जो संख्या है वो 3 है। 900 क्या है आपका? एक नंबर है, यह एक डिजिट नहीं है। 900 एक आपका नंबर है, इसमें डिजिट कितना है? 1, 2 and 3। इसमें भी डिजिट कितना हो गया? 3 हो गया। 4026, ये आपका नंबर है और इसमें डिजिट कितना है? 1, 2, 3 and 4। डिजिट कितना हो गया? 4 हो गया। 0025, तो ये क्या है आपका कि इसको डिजिट करोगे आप 25। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जीरो अगर पहले किसी नंबर के पहले लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो मीनिंग लेस होता है। तो 0025 को सिर्फ हम 25 लिख सकते हैं, इसलिए इसमें जो डिजिट की संख्या होगा वो सिर्फ 2 होगा। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए होंगे। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 0450। अब इसमें क्या है कि जीरो अगर नंबर के स्टार्टिंग में लगता है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, बट जीरो अगर लास्ट में और मिडिल में लगता है तो उसकी कोई वैल्यू होती है। इट मीन्स 045 जो लिखा हुआ है वो नॉर्मल लिखा हुआ है, 450। इट मीन्स अब इसमें जो डिजिट की संख्या होगा वो कितना होगा? 3 होगा। तो डिजिट और नंबर आपका क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स हाउ मच ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ कितना है उसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे 6 kg राइस,
मान लो कि अगर मुझे राइस खरीदना है और कितना खरीदें हम 6 kg कर दें, तो 6 kg जो है आपका वो क्या हो गया, एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मिल्क मुझे परचेज करना है, कितना करना है 7 लीटर, तो 7 लीटर जो है वो आपका क्या है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो कि आप सुबह वॉकिंग किए हैं कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, आप फिर बाइक चलाए हैं, तो ये 10 किलोमीटर जो डिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ आपका, क्वांटिटीज हुआ। सपोज करो कि आप 5 आवर स्टडी किए, आप फिर 5 आवर कोई वर्क किए, तो जो आप क्वांटिटी बता रहे हैं 5 आवर टाइम जो बताएं आप, उसको आप क्या बोलोगे, क्वांटिटी बोलोगे। यही आपका होता है क्वांटिटी। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। शेप लिखा हुआ है, शेप मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एनी फिगर। किसी भी फिगर जिस शेप में होता है उसका कोई जो आकार होता है उसी को हम शेप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है शेप ऑफ विंडो एंड डोर। आपसे हम पूछे कि विंडोज और डोर का शेप बताओ, तो आप क्या बताओगे कि ये दोनों रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है या फिर स्क्वायर शेप का हो सकता है। अगर सारे साइड इक्वल हुआ तो स्क्वायर कहलाएगा, और लेंथ और ब्रेथ उसकी डिफरेंट हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर बोलेंगे। इसके बाद है शेप ऑफ बुक, मैच बॉक्स, रूम, डाइस। अगर इस टाइप के चीज़ को हम बोलें कि इसका शेप कैसा दिखता है, तो बुक का बताओगे कि एक क्यूबॉइड होता है या फिर क्यूब हो सकता है। मैच बॉक्स किस शेप में होती है, क्यूबॉइड शेप में होती है। रूम आपका क्यूब और क्यूबॉइड हो सकता है। डाइस भी क्या है कि क्यूब और क्यूबॉइड हो सकता है। शेप ऑफ बॉल एंड फुटबॉल, जितने भी इस सर्कल टाइप की होती है राउंड वाली फिगर उसको हम क्या बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, सॉरी उसको हम स्फीयर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए क्या है हमारे पास अभी फिलहाल, बॉल है और फुटबॉल है, तो बॉल और फुटबॉल किस शेप में दिखेगा, स्फीयर शेप में दिखेगा। शेप ऑफ रोलर वाटर बोटल, रोलर, रोलर मीन्स जो आपका रोड रोलर होता है, और वाटर बोटल भी लगभग लगभग दोनों क्या है कि एक सिलेंडर की तरह दिखता है। शेप ऑफ बर्थडे कैप एंड आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप हम लोग जब मनाते हैं तो जब कैप खरीदते हैं कोन वाला, वो जो राउंड टाइप की होती है वो किस शेप में होती है, कोन, कोन शेप में होती है। मतलब यहाँ पे जो नाम है वो जनरल नेमिंग है, बट उसको मैथमेटिक्स उस शेप को हम किसी और नाम से जानते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फिगर, मतलब दो टाइप की शेप होती है आप फिर फिगर बोल सकते हैं। फर्स्ट है प्लेन फिगर और दूसरा होता है सॉलिड फिगर। प्लेन फिगर क्या होती है, दोस फिगर विच हैव लेंथ एंड ब्रेथ इज कॉल्ड प्लेन फिगर। प्लेन फिगर वैसा फिगर जिसमें लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए उसको हम प्लेन फिगर बोलेंगे। प्लेन फिगर इज ऑल्सो कॉल्ड 2D फिगर। प्लेन फिगर का दूसरा नाम क्या है, 2D फिगर है। 2D फिगर मतलब 2-dimensional फिगर, मतलब सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन फिगर बोलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ प्लेन फिगर क्या क्या है, ट्रेंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है एंड ओवल है। देयर आर 5 types ऑफ प्लेन फिगर, ट्रेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल एंड ओवल। अब इसका हम देखते हैं फिगर क्या, ये ट्रेंगल हो गया ABC, एक आपका क्या है, ट्रेंगल है। अब इसमें अगर मान लो कि ट्रेंगल में साइड पूछे कि साइड कितनी है, तो साइड किसको बोलते हैं, इस जो लाइन है बाउंड्री है उसको हम साइड बोलते हैं। तो ABC एंड CA, ये आपका 3 boundary है, इट मीन साइड कितना हो गया, 3 हो गया। वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स ABC, मतलब 3 vertex भी होती है। एंगल क्या होती है, जो अंदर एंगल बन रहा है उसको हम एंगल बोलते हैं। तो एंगल कितना है, 1, 2 and 3। साइड, वर्टेक्स और एंगल क्या है आपका, ट्रायंगल में 3 होती है। और डायगोनल क्या होता है, जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिलाता है, और इसमें किसी भी कॉर्नर को मिलाओगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए डायगोनल इसमें क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसके बाद है स्क्वायर, स्क्वायर में साइड कितना होगा, 1, 2, 3, 4, तो 4 sides हो गया। वर्टेक्स क्या बताया था कि जहाँ पे दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, ABCD, ये वर्टेक्स हो गया। एंगल जो अंदर है उसको हम एंगल बोलते हैं, 1, 2, 3 and 4, तो देयर आर 4 angles इन स्क्वायर। और डायगोनल किसको बोलते हैं, जो दो कॉर्नर को मिलाता है, एक ACB है और दूसरा AD है, तो देयर आर 2 diagonal इन स्क्वायर। और ये जो सिंगल डैश लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड आपस में क्या है, इक्वल है, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ट्रेंगल क्या होगा कि ये फिगर बीच है, 3 sides इज कॉल्ड ट्रेंगल। अब देखते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या है कि देखो यहाँ पे सिंगल साइड है, यहाँ पे सिंगल डैश लगा हुआ है, और ये दोनों पे डबल डैश लगा हुआ है। इसका मतलब क्या समझें कि जो सिंगल डैश वाला साइड है वो आपस में इक्वल है या फिर सेम है, और जो डबल डैश वाला है वो आपस में इक्वल है। इसमें साइड कितना होगा, 4 sides होगा, 4 vertex होगा, 4 angles होगा और 2 diagonal होगा। मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल में साइड, वर्टेक्स, एंगल, डायगोनल सेम होता है।
अब ये है आपका सर्कल। सर्कल क्या होती है कि कोई फिक्स पॉइंट से अगर चारों तरफ एक मतलब बाउंड्री खींचा जाए उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। किसके हेल्प से? राउंडर के हेल्प से। इसमें साइड अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? अगर छोटे बच्चे हैं, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 क्लास के बच्चे अगर हैं, तो उसको आप साइड 0 बोलोगे, मतलब कोई भी साइड नहीं होती है, नो साइड इन सर्कल। बट हायर क्लास के स्टूडेंट है, 8 9 10 11 12 कम्पिटिटिव का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसमें जो आंसर आएगा क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा। इट मीन्स इन्फिनिटी साइड इन सर्कल। सेम टू सेम ओवल की बात होगा। ओवल क्या होती है कि इसका एक तरफ मतलब दो साइड से चपटा होता है और दो साइड से थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब अंडे के आकार की तरह होता है, उसको हम ओवल बोलते हैं। इसमें भी साइड क्या होगा? 0 होगा। छोटे बच्चों के लिए 0 मतलब नो साइड इन ओवल, एंड हायर क्लास के बच्चों के लिए इनफाइनाइट साइड ऑफ ओवल होता है। सेकेंड नंबर, सॉलिड फिगर। दोस फिगर विच हैव लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इज कॉल्ड सॉलिड फिगर। वैसा फिगर जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट होना चाहिए उसी को हम सॉलिड बोलेंगे। सॉलिड फिगर इज ऑल्सो कॉल्ड 3D फिगर। 3D मीन्स 3 डायमेंशन। लिस्ट ऑफ सॉलिड फिगर, आप टाइप ऑफ सॉलिड फिगर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। टोटल 5 होती है। क्या क्या? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। ये आपका क्यूब है और ये आपका क्यूबॉइड है। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों क्या है कि आपका सेम है, खाली बस क्यूब में क्या होती है कि लेंथ ब्रीथ और हाइट इसमें सेम होता है, बट क्यूबॉइड में लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों डिफरेंट होता है, तो उसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में? फेस पूछेगा, एज पूछेगा और कॉर्नर पूछता है। फेस क्या होती है समझ लो आप लोग, फेस जो चीज़ से मिलकर वो फिगर बनता है उसको हम फेस बोलते हैं। सपोज करो कि एक क्यूब है और क्यूब या फिर क्यूबॉइड दोनों में सेम होगा, क्योंकि इसमें भी फेस, एज और कॉर्नर की बात होगा। तो एक क्यूब और क्यूबॉइड अगर रियल लाइफ से हम रिलेट करें तो एक किस टाइप का लेते हैं? मान लो रूम है, रूम का अगर सारे वॉल जो है, वॉल का लेंथ वो इक्वल होगा तो क्यूब कहलाएगा, और थोड़ा सा डिफरेंट होगा तो उसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे। तो उससे रिलेट करो, फेस क्या होती है? जो आपका वॉल है, क्योंकि रूम जो है वॉल से मिलकर के बनता है, तो वॉल काउंट करोगे तो 4 साइड होती है, मतलब 4 वॉल होती है साइड साइड, एक अप साइड होती है 5 और एक डाउन साइड होती है, मतलब टोटल जो वॉल लगता है एक रूम को उसमें 6 होता है। इट मीन्स फेस जो है वो 6 होगा। एज किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो वॉल इंटरसेक्ट करता है, तो आप नीचे काउंट करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ऊपर 4 है, 4 + 4 = 8 हो गया, और साइड साइड काउंट करोगे तो 4 होगा, मतलब टोटल लाइन कितना है रूम में आपका, तो टोटल लाइन कितना हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब एज हो गया 12। कॉर्नर क्या होता है? जिसको हम कोना बोलते हैं, तो कोना को काउंट करोगे तो नीचे 4 और ऊपर 4, तो टोटल कॉर्नर कितना हो गया? 8। सेम टू सेम क्यूबॉइड में भी कि फेस 6 होता है, एज 12 होता है और कॉर्नर 8 होता है। तो एक क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी फेस इन क्यूब या फिर क्यूबॉइड या फिर हाउ मेनी एज इन क्यूब और क्यूबॉइड एंड हाउ मेनी कॉर्नर इन क्यूब और क्यूबॉइड, तब इसको लर्न कर लीजिएगा। यह है सिलेंडर, कोन और स्फेयर। इसमें भी अगर आपसे पूछे कि फेस क्या होता है, तो फेस का सिंपल डेफिनेशन था जिससे वो मिलकर के बनता है। तो सिलेंडर को थोड़ा सा ध्यान देखो, मतलब गैस वाला सिलेंडर, ऊपर वाला जो पकड़ने वाला हैंडल है उसको हटा दो आप, तो एक उसमें क्या है कि एक राउंड वाला है, मतलब जो परत लगाया गया है एक राउंड वाला है, और एक ऊपर ढक्कन है और एक नीचे ढक्कन है, मतलब टोटल क्या है? ए वाला ढक्कन, मतलब इसको बेस मान लो आप, ये सर्कल जो दिख रहा है, एक ए हो गया और एक ए है टॉप वाली और एक राउंड वाली, मतलब टोटल जो फेस होगा वो कितना होगा? 3 होगा। एज कितना होगा? एज किसको बोले थे? लाइनिंग वाली। तब इसमें चेक करो कि कितना है, तो अगर मान लो कि पूरा राउंड है तो उसमें देखो एक नीचे वाला जो सर्कल दिख रहा है, मतलब एक किनारा ए हो गया और एक ऊपर किनारा बनेगा, तो टोटल जो एज है वो कितना है? 2 है। और कॉर्नर क्या होता है? कोना, जहाँ पे दो चीज़ मिलकर के बनता है, बट इसमें आप राउंड शेप था, इसमें क्या है कि कहीं पे भी कोई दो शेप जो है नहीं टच किया है, तो इसलिए कॉर्नर इसमें क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। अब आते हैं कोन। कोन पहले ऑलरेडी बता चुके थे, कोन जो है रियल लाइफ में किसको हम देख सकते हैं? आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको हम बोल सकते हैं कोन, या फिर बर्थडे जो होता है आपका, वो कैप हम लोग परचेज करते हैं तो वो इसी शेप में होती है, और भी डिफरेंट शेप में होती है, बट जो इस टाइप का शेप होता है उसको हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कोन बोलते हैं। तो इसमें फेस देखो आप कितना है, एक तो राउंड वाला शेप जो राउंड हो रही है, और दूसरा जो नीचे बेस है, इट मीन्स ये टोटल फेस जो होगा इसमें 2 होगा। एज किसको बोलते हैं? जहाँ पे दो चीज़ आकर के इंटरसेक्ट करता है, दो फेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करना चाहिए,
तो एक राउंड वाला इधर और एक इधर बेस वाला, तो यही दो को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, उसको हम एज बोलते हैं। तो वन एज हो गया। और कॉर्नर क्या होगा, कोना, कोना देखो इसमें एक ही है, अब एक कोना नहीं है, ये बनाए हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, बट उसको अगर आप रियल में देखोगे ना तो वो पूरा राउंड दिखेगा, वो कहीं पे आपका ऐसा नहीं दिखेगा। तो कॉर्नर क्या है आपका, वन है। अब आते हैं स्फेयर। स्फेयर किससे रिलेट कर सकते हैं, बॉल, फुटबॉल, जो भी आपका इस टाइप का फिगर है उसको हम स्फेयर ही बोलते हैं। तो इसमें फेस क्या है कि सिर्फ एक ही फेस है जो पूरा राउंड किया गया है, इसलिए इसमें फेस कितना हो गया, वन हो गया। इसमें एक भी एज नहीं है, एक भी लाइनिंग नहीं है, इसलिए जीरो हो गया। और कॉर्नर भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या था कि अभी जो फाइव टाइप का सॉलिड फिगर था, क्या क्या था, क्यूब था, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन और स्फेयर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, फोर फंडामेंटल या फिर बेसिक ऑपरेशन। ये जो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन होता है मैथ्स में, वो क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऐसे जो वर्ड है ये हमेशा हम लोग कहाँ सुने हैं, हॉस्पिटल में सुने हैं, डॉक्टर के थ्रू। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ को चीर फाड़ करना, उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं। बट इस टर्म को मैथ में कहाँ यूज करेंगे वो देखेंगे। मतलब देर आर फोर फंडामेंटल ऑपरेशन होता है, क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन का दूसरा नाम भी है, आप ऐड बोल सकते हैं, सम बोल सकते हैं, आप फिर प्लस बोल सकते हैं। एडिशन का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सब्ट्रैक्शन का दूसरा नाम है सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस आप फिर माइनस, और उसको सिंबल इस तरह से होता है। मल्टीप्लिकेशन को हम लोग प्रोडक्ट, इनटू, ऑफ, मल्टीप्लाई बोल सकते हैं, और उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। डिवीजन को हम लोग डिवाइड बोल सकते हैं, और इसका सिंबल इस तरह से होता है। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका दूसरा नेम भी लर्न करना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ये पूछेगा, फिर इसका दूसरा नाम भी पूछेगा। इसका मतलब क्या है कि अभी जस्ट पढ़े थे कि मैथमेटिक्स क्या होती है, अबाउट ऑफ नंबर, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें यही फोर फंडामेंटल जो ऑपरेशन है इसको यूज करके उसके बीच में कुछ हम रिलेशन फाइंड करते हैं, उसी को हम मैथमेटिक्स बोलते हैं। अब इसको कंबाइन अगर करोगे तो कुछ और बन जाएगा, जैसे प्लस और मल्टीप्लाई को कंबाइन करते हैं तो एलसीएम बनता है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को जब हम कंबाइन करेंगे तो एचसीएफ बनेगा, और सारे को कंबाइन कर दोगे आप तो क्या बन जाएगा, सिंप्लीफिकेशन बन जाएगा। फर्स्ट है एडिशन। एडिशन का साइन क्या होता है, इस तरह से होता है, व्हेन टू और मोर नंबर्स आर कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एडिशन। ये एडिशन का डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है कि व्हेन टू और मोर नंबर्स आर कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एडिशन। सपोज करो कि ये आपका 60 है, या फिर 6 डॉट है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट है, इसको आप कंबाइन करो, मतलब मिला दो। जब आप मिलाओगे तो टोटल कितना बनेगा, यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 5 है, टोटल कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो 6 प्लस 5 क्या होती है, 11 होती है। मान लो कि अगर बोल देंगे कि 10 प्लस 5, इसको जब आप कंबाइन करोगे, मतलब 10 बॉयज है और 5 और बॉयज है, सबको कंबाइन कर दो, तो फिर जो टोटल काउंट करोगे तो वो कितना मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। इट मीन्स 10 प्लस 5 क्या होता है, 15 होता है। आप और भी नंबर को आपस में प्लस कर सकते हैं, सब जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6, तो 2 प्लस 4 6 6 प्लस 6 क्या होगा, 12 होगा, इसी को हम एडिशन बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का साइन होता है कुछ इस तरह से कि व्हेन वन और मोर नंबर्स आर टेकन आउट फ्रॉम ए लार्ज नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर बड़े नंबर से छोटे नंबर को निकाला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कि 10 और 4 को माइनस करना है, तो 10 और 4 में बिगर नंबर क्या है आपका, 10 है, और स्मॉलर नंबर 4 है, तो सब्ट्रैक्शन हमेशा बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर में होता है। तो 10 माइनस 4 क्या होगा, 6 होगा, और 5 माइनस 3 क्या होगा, 2 होगा। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन। क्या होता है कि एक बार बार आप उसको उसी नंबर को ऐड कर दोगे ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। जैसे व्हेन ए इज मल्टीप्लाइड बाय बी, देन ए इज एडेड बी टाइम्स एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या समझें कि अगर कोई दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई शॉर्ट में ना करके इसको हम एडिशन के भी फॉर्म में करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। जैसे मान लो कि आपको मल्टीप्लाई करना है 6 और 3 से, 6 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि क्या होगा, 18 होगा। 6 3 जा 18, तो आंसर हमारा क्या है, 18 है। बट डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज द रिपीटेड एडिशन, जहाँ पे क्या है, ए और बी कोई दो नंबर है, तो अगर ए को मल्टीप्लाई करना है बी से तो ए इज एडेड बी टाइम्स। मतलब फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको मान लो ए है, और जो सेकेंड वाला नंबर है वो आपका बी है, तो क्या बोल रहा है कि ए को हम बी टाइम्स ऐड करेंगे। तो ए जो है 6 है, कितने टाइम्स करना है मुझे, बी टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स उसको ऐड करो, 1 2 एंड 3,
तो 6 + 6 = 12, 12 + 6 = 18, इससे भी 18 और इससे भी 18 आया है। और वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जो आप ए माने थे उसको आप बी मान लो, ए और बी को इंटरचेंज कर दो, मतलब अब इसको उल्टा रीड करो, यहाँ पे एक जगह पे बी रखो, तो बी इज एडेड ए टाइम्स, इसका मतलब यहाँ पे जो बी की वैल्यू है वो 3 है और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, तो उसको हम क्या करेंगे कि वो 6 टाइम इसको आप एडिशन में कन्वर्ट करो, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको आप प्लस करो, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 18, 18 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, 12 + 3 = 15 + 3 = 18, तो इससे भी 18 आया है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए भी 18 आया है और इस फॉर्म में भी किए थे तो 18 आया है, बट हमें एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है, हमें ये डायरेक्ट करना है, ये टाइम टेकन है, ये छोटे क्लास के लिए है, जो 3, 4 क्लास, 5 क्लास में पढ़ता है उसके लिए थोड़ा सा था, क्योंकि बुक्स में इसी तरह से इसको कुछ क्वेश्चंस में करना है। फोर्थ डिवीजन, डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर, सेम नंबर को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसी को हम डिवीजन बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं, मुस्कान हैज 24 रुपीज, सी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस एमंग हर 6 फ्रेंड्स, हाउ मेनी रुपीज विल सी टू ईच फ्रेंड। मुस्कान नाम की एक लड़की है, उसके पास कितना है 24 रुपीज है और वो क्या कर रही है अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और टोटल फ्रेंड उसके पास कितना है 6 है, तो आपको ये बताना है कि वो जो 6 फ्रेंड है वो उसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब कितना कितना पैसा वो देगी। तो क्या है डेफिनेशन के थ्रू इसको सोल्व करते हैं, पहले कि टोटल फ्रेंड कितना है आपका, सॉरी टोटल रुपीज कितना था 24, कितने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 फ्रेंड्स में करना है, तो डेफिनेशन हमारा बता रहा था कि डिवीजन इज द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर इज कॉल्ड डिवीजन। अब बताए थे कि हमेशा जो है सब्ट्रैक्ट होता है किसमें, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर में होता है, तो बिगर नंबर आपका 24 था और स्मॉलर नंबर 6 है, अब इसको क्या करेंगे कि बार बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, कब तक करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर मतलब लास्ट में 0 या फिर 6 से छोटा नहीं बच जाए, तब तक हम इस टाइप से माइनस करते रहेंगे। जैसे 24 - 6 करोगे तो आपको मिलेगा 18, ये फर्स्ट टाइम हम इसको माइनस किए हैं, और फिर करेंगे क्यों, क्योंकि अभी हमारा 18 बच रहा है, तो 18 - 6 करोगे तो 12 मिलेगा, अभी भी ये 6 से ग्रेटर है, एक बार और माइनस करो तो 12 - 6 क्या मिलेगा 6 मिलेगा, अभी भी ये 6 के इक्वल है, तो 6 फिर माइनस कर देंगे तो हमारा फाइनल क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब चेक करो कि ये 0 आने में कितने बार इसको सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो 1, 2, 3 and 4 फोर टाइम इसको हम माइनस किए हैं, जितने बार माइनस करने पर ये रिमाइंडर 0 बचा है उतना ही हमारा आंसर होगा। Therefore, each friends get 4 rupees. मतलब उसका जो टोटल 6 फ्रेंड था वो मुस्कान कितना देगा उसको, हर फ्रेंड्स को 4 रुपया देगा, कितना 4 रुपीज देगा। इसको शॉर्ट में हम कैसे करेंगे कि जो भी नंबर है, जैसे मान लो कि 24 रुपीज मुस्कान के पास था, उसको कितने में डिवाइड करना था, मतलब कितने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना था, 6 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो जो छोटे नंबर होता है उसे हम बड़े नंबर में डिवाइड कर देंगे, तो 6 × 4 = 24 आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो दोनों से आपका आंसर सेम आएगा आपको जो। पॉइंट टू रिमेंबर फॉर एडिशन, मान लो कि अगर कोई भी नंबर को हम प्लस करते हैं तो उसका मैथमेटिक्स में ना उसका पर्टिकुलर नेम है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं 2 + 3, इसका आंसर क्या होगा 5 होगा, तो 2 और 3 जो नंबर आपस में प्लस हुआ और जो आंसर आया उसको हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि द नंबर वी एड आर कॉल्ड एडेंड बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एडेंड बोलते हैं, और द आंसर वी गेट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड सम बोलते हैं, जो आंसर हमें मिलता है प्लस करने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं सम बोलते हैं। फोर सब्ट्रैक्शन, सपोज करो कि आपके पास दो नंबर 4 और 3 है, इसको माइनस करना है, तो 4 - 3 क्या होगा 1 होगा, तो ये जो बिगर नंबर था और एक स्मॉलर नंबर है और एक आया है आंसर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो लार्ज नंबर इज कॉल्ड माइन्यूट बोलते हैं, ये जो लार्ज नंबर है इसको क्या बोलते हैं माइन्यूट बोलते हैं, और जो स्मॉलर नंबर है मतलब जो हम माइनस करते हैं तो स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड सबट्रैक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे सबट्रैक्ट बोलेंगे, मतलब इसको और इसको माइनेंट बोलेंगे, और जो आंसर आया है द आंसर वी गेट आफ्टर सबट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस, इसको हम क्या बोल देंगे डिफरेंस बोल देंगे। कोई भी नंबर से अगर हम माइनस करेंगे नंबर में तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे डिफरेंस बोलेंगे, और जिस नंबर से माइनस करना है उसको बोलेंगे माइनेंट बोलते हैं, और जिस नंबर को माइनस करना है उसको हम सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। फोर मल्टीप्लिकेशन, सपोज करो कि 2 और 3 दो नंबर, इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 = 6,
तो ये जो 2 है और ये 3 है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उसका नाम क्या है, और जो आंसर आया है उसको नाम मैथमेटिक्स में कुछ पर्टिकुलर नाम है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लायर, मतलब जिस नंबर को मतलब मुझे मल्टीप्लाई करना है तो जो फर्स्ट नंबर होगा उसको मल्टीप्लायर बोलेंगे, और सेकेंड नंबर इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट, सेकेंड नंबर क्या होगा मल्टीप्लिकेंट होगा। द आंसर वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाई इज कॉल्ड प्रोडक्ट, जो हमें आंसर प्राप्त होगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। फोर डिवीजन, सपोज 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 को 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा हमें आंसर 5 मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि द नंबर विथ विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर, क्या बोलेंगे उसको हम डिवाइजर बोलेंगे, और द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइडेंट बोलते हैं, मतलब जिस नंबर में डिवाइड देना है उसको हम क्या बोलते हैं डिविडेंट बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड देना है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, और द आंसर वी गेट आफ्टर डिवीजन इज कॉल्ड कोशेंट, जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसको हम डिवाइड में हम मैथ के टर्म में क्या बोलेंगे कोशेंट बोलेंगे, जिसमें हम डिवाइड देंगे उसको डिविडेंट बोलेंगे, जिससे डिवाइड देंगे उसको हम डिवाइजर बोलेंगे, ये मैथ का टर्म। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, जिससे हम डिवाइड देते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, जिसमें देते हैं उसको डिविडेंट बोलते हैं, जो हमें आंसर प्राप्त होता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं, और माइनस करने के बाद जो नंबर यहाँ बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और डिवीजन में इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा मतलब डिवाइड निकालिएगा तो बिना आंसर देखे मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गलत है कि सही है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा आप कि डिविडेंट इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 24 को डिवाइड करना है किससे 5 से, तो क्या लिखते हैं स्मॉलर नंबर क्या कहलाएगा डिवाइजर कहलाएगा, और जो बिगर नंबर है उसको हम डिविडेंट बोलेंगे क्योंकि 24 में डिवाइड देना किससे 5 से, तो 5 4 20, 4 माइनस 0 4 होगा, 2 माइनस 2 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो है आपका डिवाइजर था, ये आपका डिविडेंट है, एक कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। अब इसको चेक करना है मुझे बिना आंसर देखे हुए कि ये गलत है या फिर सही है, तो क्या करेंगे देखो, डिविडेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या है डिविजर यहाँ क्या है 5 है, और कोशेंट क्या है 4 है, और रिमाइंडर क्या आपका 4 है, तो यहाँ 4 लिख दो आप, तो 5 4 20 प्लस का 4, 20 प्लस 4 कितना आ गया 24 मिल गया। इसका मतलब कि ये जो हम डिवाइड किए हैं वो हमारा 100% सही है, क्योंकि ये डिविडेंट का ये फॉर्मूला था डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हमारा एग्जांपल है, मान लो कि आपको 9 से डिवाइड करना है 28 में, तो 9 3 जा 27, 8 माइनस 7 1 होगा, 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमको चेक करना है कि ये सही कि गलत है, तो डिविडेंट का फॉर्मूला क्या था डिवाइजर क्या है जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं, मतलब 9 इंटू कोशेंट क्या आपका 3 है, प्लस रिमाइंडर क्या आपका 1 है, 9 3 जा 27 प्लस 1 क्या गया 28 आ गया। अब इतना अगर फॉर्मूला मान लो कि आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो क्या करना है कि ए वाली नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इसको आप क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का फादर कौन है आर्किमिडीज है, और फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स का फादर कौन है आर्यभट्ट है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, मैथमेटिक्स का फादर आर्किमिडीज बताना है और इंडियन मैथमेटिक्स का फादर आर्यभट्ट बताना है। और आर्यभट्ट कहाँ के थे इंडिया के थे, ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन थे ये, इंडियन मतलब जो इंडिया में रहते हैं उसको इंडियन बोलते हैं। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मैथमेटिशियन, जितने भी मैथमेटिशियन थे जो मैथ में कुछ कंट्रीब्यूट किए उसके बारे में कुछ देख लेते हैं, जिससे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आर्यभट्ट वॉज ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट क्या थे कि ग्रेट मैथमेटिशियन थे, एक महान मतलब गणितज्ञ थे, और एस्ट्रोनॉमर का मतलब क्या होता है खगोल विज्ञान के बारे में जो स्टडी करता है उसको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। सेकेंड है आर्यभट्ट रोट द फर्स्ट मैथमेटिक्स बुक्स इन द वर्ल्ड, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हु रोट द फर्स्ट मैथमेटिक्स बुक्स इन द वर्ल्ड तो आप किसका नाम लीजिएगा आर्यभट्ट का लीजिएगा, और वो बुक्स का नाम क्या है आर्यभट्टिया नाम था, बुक्स का नाम क्या है आर्यभट्टिया, और सबसे पहला व्यक्ति कौन है जो मैथ का बुक लिखे थे वो आपका आर्यभट्ट है। इन्वेंटर ऑफ जीरो वाज आर्यभट्ट, जीरो का आविष्कार किसने किया आर्यभट्ट किए थे। आर्यभट्ट वाज बॉर्न इन पाटलिपुत्रा, आर्यभट्ट कहाँ जन्म लिए थे पाटलिपुत्रा में, नाउ ए डे पाटलिपुत्रा का नेम बदलकर क्या रख दिया गया है पटना हो गया है। आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनोमर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पाई,
इसका मतलब क्या है कि आर्यभट्ट एक पहला व्यक्ति है जो खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ाई करते थे और किसका वैल्यू कैलकुलेट किए, पाई की। ये क्या आपका ये जो सिंबल दिख रहा है इसी को हम पाई बोलते हैं, इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो पीआई लिखेंगे। पाई की वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू 22/7, डेसिमल में इसकी वैल्यू होता है 3.1415926 और भी बहुत होता है, बट हमें जो सिर्फ याद करना है वो पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक रन करना है 3.141। और अगर डिग्री में कोई पूछेगा कि पाई की वैल्यू क्या होता है तो 180 डिग्री होता है। ये आपको हायर क्लास में यूज होगा, 11th क्लास से यूज होगा, बाद ये सब जो ये दोनों वैल्यू है फ्रैक्शन वाला और डेसिमल वाला वो लोअर क्लास में जो। आर्यभट्ट वाज इंचार्ज ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। आर्यभट्ट के बारे में कुछ और पॉइंट है, क्या पॉइंट है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के ये इंचार्ज थे, मतलब हेड थे। नालंदा यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री इंडिया। हमारे देश का प्रथम जो यूनिवर्सिटी था वो कौन था, नालंदा यूनिवर्सिटी था। एंड सेकेंड यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का ये दूसरा नंबर पे आता था और इंडिया का ये पहला यूनिवर्सिटी था जो ओपन हुआ था। तो मान लो कि फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी कौन था, तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी तक्षशिला था और वर्ल्ड का दूसरा यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी था, और नालंदा यूनिवर्सिटी हमारा इंडिया का था और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में भी पढ़ता है। फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वाज कुमार गुप्ता। नालंदा यूनिवर्सिटी का अगर आपसे कोई पूछे कि फाउंडर कौन था तो आप बताओगे कुमार गुप्ता था। तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है ये पहले इंडिया में ही था जब पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या बन रहा था कि वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी अगर खोला गया कहीं तो वो इंडिया में ही था, लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तो ये तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया है। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का फर्स्ट यूनिवर्सिटी क्या था, नालंदा यूनिवर्सिटी है और वर्ल्ड का दूसरा नंबर है और पहला कौन था, तक्षशिला था। अब ये सिंबल जो देख रहे हो आप जो एट की तरह जो एट को अपोजिट करके लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। और इन्फिनिटिव का आविष्कार किसने किया, मतलब इन्वेंटर ऑफ इन्फिनिटिव इज कॉल्ड रामानुजम। रामानुजम भी क्या थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे। फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, सबसे पहले मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म जानना है तो इसका स्पेलिंग याद करना पड़ेगा मैथमेटिक्स का, MATHEMATICS। एम फॉर मर्करी, ए फॉर एक्यूरेसी, टी फॉर टैलेंट, एच फॉर हार्डवर्क, ई फॉर इफिशियंसी, एम फॉर माइंड, ए फॉर अटेंशन, टी फॉर टैक्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, सी फॉर क्लेवर एंड एस फॉर सिंसियरिटी। मतलब मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी, एक्यूरेसी, टैलेंट, हार्डवर्क, इफिशियंसी, माइंड, अटेंशन, टैक्ट, इंटरेस्ट, क्लेवर एंड सिंसियरिटी। ये था मैथमेटिक्स का फुल फॉर्म ऑफ मैथ्स। मैथ्स का फुल फॉर्म अलग होता है, मैथमेटिक्स का अलग होता है, MATHS। एम फॉर मेंटल, ए फॉर एबिलिटी, टी फॉर टू, एस फॉर हैंडल, एस फॉर सिचुएशन। मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन, उसी को हम मैथ्स बोलते हैं। ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मेरी आत्मा हमेशा सताएगी। मेरी का एम ले लो, आत्मा का ए और टी ले लो, हमेशा का एच ले लो, सताई का एस ले लो, तो ये क्या बन गया, MATHS मैथ्स बन गया। तो पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना तो उसका फुल फॉर्म अगर टीचर हमसे पूछता था क्या बोलते थे कि मेरी आत्मा हमेशा सताएगी, क्यों, क्योंकि टीचर थोड़ा सा खड़ूस होता है, मैथ वाले टीचर्स बहुत पनिशमेंट करते थे, इसलिए ना हम लोग हमेशा बोलते हैं कि मेरी आत्मा हमेशा सताएगी। ये जो लिखा हुआ है फुल फॉर्म ये मनगढ़ंत है, मतलब अपने मन से बनाते थे मेरी आत्मा हमेशा सताएगी, बट ये होता नहीं है, ऐसा ही था। अब क्या बोलना है कि मैथ आने से ही तो होंगे सफल। ये जैसे मान लो कि मैथ में आपको डर लगता है कि मैथ नहीं आता है, हार्ड है, ये है, तो क्या करना है कि मैथ आने से ही तो होंगे सफल, अगर मैथ आपको नहीं आएगा तो आप सफल नहीं होइएगा। टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, देर आर टू टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, फर्स्ट है अर्थमेटिक एंड एडवांस मैथमेटिक्स। टू टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक एंड एडवांस। फिर लिखा हुआ है कि देर आर ऑल्सो टू टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। ये कब जवाब दीजिएगा, ये जो प्योर और एडवांस है जब आप कॉलेज में पढ़ोगे, मतलब हायर स्टूडेंट जो है जो बीएससी एमएससी कर रहा है उसके लिए दो टाइप कौन कौन बनेगा, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। टाइप ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स बोलो, आप ही टॉपिक टू बी कवर इन एडवांस मैथमेटिक्स।
फर्स्ट है नंबर सिस्टम, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डेटा हैंडलिंग, आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट में इसको हम डीआई बोलते हैं। तो ये टोटल 8 चैप्टर है जो एडवांस मैथमेटिक्स में हमें पढ़ना है। देखते हैं कि प्योर मैथमेटिक्स ये क्या है, स्टडी इन हायर क्लास में पढ़ोगे क्या क्या, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, टोपोलॉजी एंड मैथमेटिकल एनालिसिस, ये 6 चैप्टर है जो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, प्योर मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और यह है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये भी आपका हायर क्लास में है, कैलकुलस, ट्रिगोनोमेट्री, सेट थ्योरी एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो दे आर 4 बुक्स कम्स अंडर इन द अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टडी इन हायर क्लास। ये हायर क्लास में जब पढ़ोगे तो आपको इस टाइप का बुक्स मिलेगा। नंबर सिस्टम, ए सिस्टम इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स एंड 4 फंडामेंटल ऑपरेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। मतलब क्या समझें कि नंबर सिस्टम क्या है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, और उसके बीच में जो भी रिलेशन बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। नंबर सिस्टम इज द बैकबोन ऑफ होल मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स का ये बैकबोन है कौन, नंबर सिस्टम। इट मीन्स अगर पूरे मैथ्स हम देखें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा चैप्टर है, वो नंबर सिस्टम है, मतलब जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं। टाइप ऑफ नंबर्स, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इमेजिनरी नंबर, फ्रैक्शन, सक्सेसर नंबर एंड प्रीडिसेसर नंबर, और भी नंबर होते हैं बट इतना सफिशियंट है। अब इसका जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर ये जो टाइप ऑफ नंबर है और भी टाइप का नंबर है उसको हम पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ नेम ही आप याद कर लो, अगर याद आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम इसका बना देंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें अगर हम बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्ट में एक दो बताते हैं, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन, और एग्जाम्पल क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 .. इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होगा कि द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinitive इज कॉल्ड होल नंबर, मतलब जो नंबर 0 से स्टार्ट होता है उसको हम होल नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर क्या होगा, दोज काउंटिंग नंबर विच इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे हम ऑड नंबर बोलते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह से जाएगा। इवन नंबर क्या हो जाएगा, दोज काउंटिंग नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, जो 2 के टेबल में आता है उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। इंटीजर क्या होगा, ऑल द काउंटिंग नंबर एंड दियर निगेटिव इंक्लूडिंग बाई 0 इज कॉल्ड इंटीजर, मतलब सारे निगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और 0, ये सब सारे का सारा क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। रेशनल नंबर क्या होगा, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, जो नंबर p बाई q के फॉर्म में लिखा जाता है डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे, जैसे 3 by 2, 5 by 7 ये सब क्या आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होगा कि दोज नंबर विच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म p बाई q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, जिसे हम p बाई q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जनरली इरेशनल नंबर हमेशा रूट्स में होता है, जैसे √2, √3, √5, √7 कुछ ऐसे स्क्वायर रूट्स नंबर होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, जैसे √4, √4 ये इरेशनल नहीं है, रूट्स में तो है बट ये क्या है आपका इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसको आगे आप सोल्व करोगे। रूट्स का मतलब क्या होता है कि अंदर अगर पेयर बन गया तो ये बाहर हो जाता है, तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं। ये देखो 2 का पेयर बन गया तो पेयर से ये रूट्स कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब √4 को हम 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 क्या था, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यहीं पे लिखा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जैसे 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, 2 का 4, 3 का 9, तो 1, 4, 9, 16 ये सब आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जिसका स्क्वायर नहीं करने पे आए, जैसे कि 1, 2, 3 जिसका स्क्वायर आ रहा है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर नहीं आ रहा है उसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। फिर इसी तरह से रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इमेजिनरी नंबर, फ्रैक्शन, सक्सेसर और प्रीडिसेसर। अब देखते हैं हम लोग अर्थमेटिक क्या होता है। अर्थमेटिक इज द दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नंबर्स स्पेशली द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इज कॉल्ड अर्थमेटिक। अर्थमेटिक विज्ञान का वह ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसमें, अर्थमेटिक में।
जैसे आप चैप्टर जब आप पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसमें बताएंगे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ अभी शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे क्या क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, जीरो प्रॉपर्टी होता है, इन्वर्स प्रॉपर्टीज होता है, उस टाइप की प्रॉपर्टीज होता है, उसमें हम लोग डिटेल देखेंगे और एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना ही कर लो, सिर्फ इस वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्या था कि बेसिक टर्म पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि मैथ्स के बारे में क्या क्या टर्म आती है, कितने टाइप की होती है। अर्थमेटिक इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक क्या है, मैथ का सबसे पुराना ब्रांच है। अर्थमेटिक इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अर्थमेटिक जो है फर्स्ट ब्रांच भी आपका मैथ का है। फादर ऑफ अर्थमेटिक कौन होगा, ब्रह्मगुप्त है। कौन है, ब्रह्मगुप्त। और ये ब्रह्मगुप्त जो है वो कहाँ के थे, इंडियन मैथमेटिशियन थे, इंडिया के ही रहने वाले थे, वो भी अर्थमेटिक में बहुत योगदान दिए हैं। तो फादर ऑफ अर्थमेटिक इज ब्रह्मगुप्त। अलजेब्रा, अलजेब्रा इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ लेटर एंड सिम्बॉल इन द प्लेस ऑफ नंबर इज कॉल्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथ का वह ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, लेटर और सिम्बॉल किसके प्लेस पे, नंबर्स के प्लेस में पढ़ते हैं, उसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं। तो अलजेब्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक टर्म अलजबार, मीनिंग क्या होता है इसका, रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट। फादर ऑफ अलजेब्रा इब्न मूसा अल ख्वारज्मी बगदाद के रहने वाले थे और यही क्या थे, अलजेब्रा के फादर्स थे। अननोन क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाई अल्फाबेट लेटर सच एज एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी ई टी सी। अननोन क्वांटिटीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट लेटर से बुक करते हैं, जिसको हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल। अननोन क्वांटिटी को हम वेरिएबल बोलते हैं और फिक्स क्वांटिटीज को हम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। जैसे जितने भी नंबर है, टू क्या आपका कॉन्स्टेंट है, फोर क्या आपका कॉन्स्टेंट है। टाइप ऑफ अलजेब्रा, ये हायर क्लास में पढ़ना है, एडवांस अलजेब्रा, एलिमेंट्री अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, आप फिर मॉडर्न अलजेब्रा और कम्यूटेटिव अलजेब्रा। देर आर फाइव टाइप ऑफ अलजेब्रा। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड मेंसुरेशन। अभी तक हम लोग पीछे जितने भी प्लेन फिगर, सॉलिड फिगर पढ़े हैं, उसमें अगर एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। फादर ऑफ मेंसुरेशन लियोनार्ड डिगिस, कौन सा है, लियोनार्ड डिगिस। मेंसुरेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मेंसुरा। मेंसुरा एक लैटिन वर्ड है जिससे ये लिया गया है। मेंसुरा का मीनिंग क्या होता है, एक्ट ऑफ मेजरिंग। टू टाइप ऑफ मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन जिसको हम एरिया और पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, और दूसरा है 3D मेंसुरेशन जिसको हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस, एंगल्स एंड सरफेस इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप किस में, लाइंस में, एंगल्स में एंड सरफेस में, उसी को हम ज्योमेट्री बोलते हैं। फादर ऑफ ज्योमेट्री इज यूक्लिड। ज्योमेट्री इज मोस्ट प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ज्योमेट्रिक एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें हम प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा लेते हैं। ज्योमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, फर्स्ट है जियो, जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, एंड सेकेंड क्या है आपका, मेटोन है, इसका मीनिंग क्या होता है, मेजरमेंट। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ये जो लिखा हुआ था इसको हम दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं कि ज्योमेट्री इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, फर्स्ट वन इज जियो एंड सेकेंड वन इज मेट्रोन। जियो मीन्स अर्थ एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। देर आर टू टाइप ऑफ ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री जिसको हम प्लेन ज्योमेट्री भी बोलते हैं, और 3D ज्योमेट्री जिसको हम सॉलिड ज्योमेट्री के भी नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ लाइन आफ्टर टाइप ऑफ लाइन। जैसा कि अभी हम ज्योमेट्री का डेफिनेशन पढ़े थे तो उसमें लाइन का जिक्र हुआ था, तो देखते हैं कि लाइन कितनी टाइप की होती है, आखिर उसके लिस्ट क्या क्या है। देर आर फाइव टाइप ऑफ लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन, कर्व लाइन और वेवी लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का दूसरा नाम स्लिपिंग लाइन है, वर्टिकल लाइन का स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं, ऑब्लिक लाइन को डायगोनल लाइन भी बोल सकते हैं, कर्व लाइन का दूसरा नाम क्या है, राउंड लाइन, और वेवी लाइन को हम लोग वेव लाइन भी बोलते हैं। अब इसका देखते हैं कि ये जो लाइन है किस टाइप से ड्रॉ होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो स्लिपिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तिरछा तिरछी, उसको हम बोलते हैं डायगोनल लाइन।
और जो पूरी स्ट्रेट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और जो इस टाइप का दिखेगा ये राउंड है इसी को हम बोलते हैं राउंड लाइन, आप फिर कर्व लाइन, ये भी क्या आपका कर्व टाइप की है उसको हम राउंड लाइन बोलते हैं। और ये जो लाइन है ये वाला ऊपर नीचे जा रहा है ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये दोनों लाइन इस टाइप का लाइन का नाम क्या पड़ गया, वेवी लाइन या फिर वेव लाइन। एंगल, द फिगर फॉर्म बाय टू रेज विथ द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। देखो यहाँ पे क्या है, टू रेज है, एक ओए है और दूसरा ओबी है, ये दोनों रे का इनिशियल पॉइंट क्या है आपका सेम है, और यहाँ जो भी बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं एंगल बोलते हैं, और एक कॉमन पॉइंट का क्या नाम दे दिए, इनिशियल पॉइंट दे दिए हैं। तो एंगल इज डिनोटेड बाई इस टाइप से लिखेंगे, मतलब इस टाइप से थोड़ा सा एल को मतलब टर्न कर दोगे तो ये क्या कहलाएगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री और रेडियन, मतलब एंगल को दो तरह से हम मेजर कर सकते हैं, एक डिग्री के फॉर्म में और दूसरा रेडियन के फॉर्म में। डिग्री को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लो मुझे 30 डिग्री रिप्रेजेंट करना है तो 30 लिखेंगे और ऊपर एक डॉट लगा देंगे, इसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 30 डिग्री मतलब रीड करेंगे। ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, डिग्री के फॉर्म में। रेडियन कब यूज़ करेंगे, जब हम 11th क्लास में चल जाएंगे तब, 10th क्लास तक हमें सिर्फ डिग्री की ही बात होगी, थोड़ी सी रेडियन 10th क्लास में भी यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में, तो 10th क्लास से हम लोग रेडियन के बारे में कुछ पढ़ेंगे, 9th तक नहीं पढ़ेंगे। और रेडियन किस फॉर्म में लिखा रहेगा, पाई के फॉर्म में, जैसे पाई बाई टू, टू पाई बाई थ्री, थ्री पाई बाई टू, आप और भी ले सकते हैं, तो जहाँ पे पाई आपको अगर दिख गया तो उसको आप रेडियन के फॉर्म में बोलोगे, और जहाँ पे डॉट लगा रहेगा नंबर के ऊपर उसको हम डिग्री बोलेंगे। टाइप ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मेजरमेंट, कितने टाइप की टोटल होती है, टोटल 7 टाइप की एंगल्स होती है, जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, एंड कंप्लीट एंगल। अब क्या होता है, जीरो एंगल का डेफिनेशन देखे तो द एंगल विच इज इक्वल टू जीरो डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। एक्यूट एंगल क्या है कि द एंगल विच इज लाइज बिटवीन जीरो टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होगा कि द एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, द एंगल विच इज lies between 90 to 180 is called obtuse angle. Straight angle, the angle which is equal to 180 is called straight angle. The angle lies between 180 to 360 is called reflex angle. Or the angle which is equal to 360 is called complete angle. Type of angle on the basis of rotation, positive angle, निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल को शॉर्ट में प्लस वी ई लिखते हैं और निगेटिव को हम माइनस वी ई शॉर्ट में लिखते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन एंटी क्लॉक वाइज इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन एंटी क्लॉक वाइज इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉक वाइज का मतलब क्या है कि जिस तरह से क्लॉक में आपका घड़ी मूव कर रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में हम मूव कर देंगे उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। जैसे मान लो कि एक क्लॉक है, इसमें जितने भी हैंड होती है वो किस तरह से मूव कर रहा है, वो इस तरह से चल रहा है, तो ये हो गया क्लॉक वाइज, जिसको हम शॉर्ट में सी डब्ल्यू भी लिखते हैं। और इसका डायरेक्शन हम इधर ले लें, मतलब इधर से इधर अगर हम ले रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज, ए सी डब्ल्यू होता है एंटी क्लॉक वाइज। तो पॉजिटिव क्या होगा आपका कि द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन एंटी क्लॉक वाइज, मतलब इधर अगर आप एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन कर दोगे तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एंगल। और अगर मान लो क्लॉक वाइज में डायरेक्शन लेंगे, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन क्लॉक वाइज इज कॉल्ड निगेटिव एंगल। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं, जैसे मान लो ओ बी आपका क्या है, ये इनिशियल रे है और इसको हम एंटी क्लॉक वाइज मूव करते हैं, तो एंटी क्लॉक वाइज मतलब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कैसा एंगल कहलाएगा, ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। यहाँ पे लिए हैं सेकेंड केस कि ये इनिशियल रे है और इसको हम क्या किए हैं कि क्लॉक वाइज इसको मूव किया, मतलब इधर ले जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो हो गया क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जिसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिव एंगल बोलेंगे। आप फिर जो भी डायरेक्शन क्लॉक वाइज मूव करेगा उसको हम निगेटिव एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपका एंटी क्लॉक वाइज होगा उसको हम पॉजिटिव एंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर आर सिक्स टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। फर्स्ट है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड, कोटेंजेंट। अब इसका हम शॉर्ट में मतलब दूसरा नाम भी बोल सकते हैं, साइन को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ये जो जीरो देख करके ऐसा है उसको हम थीटा बोलते हैं, कोसाइन को कॉस थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, कोसेकेंट को कॉसेक, सेकेंड को सेक थीटा, कोटेंजेंट को कॉट थीटा।
टीचर जब हमें पढ़ाएगा तो वो इस नाम को कम इस नाम को ज्यादा यूज करेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसका थर्ड डेफिनेशन है ट्रिगोनोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम थ्री वर्ड। आप फिर बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड। ट्राई, ट्राई मीन्स थ्री, गोन, गोन मीन्स साइड, मेट्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, इट मीन्स थ्री साइड मेजरमेंट कॉल्ड ट्रायंगल। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायंगल बोलते हैं। लेकिन ट्रायंगल जो होता है टोटल सिक्स टाइप की होती है, तो मुझे इसमें किस ट्रायंगल की बात होगा? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे पहचानोगे? जहाँ पे एक डिग्री 90 डिग्री का बनता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जब राइट एंगल ट्रायंगल्स पढ़ते हैं तो जहाँ पे 90 डिग्री होता है उसका जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं, जिसको एच से डिनोट करते हैं। और जहाँ पे एंगल दिया होता है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड लाइन बच जाता है, मतलब थर्ड साइड बचता है, उसको हम बेस बोलते हैं, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थे जो एक थ्योरम दिए थे। वो क्या दिए थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों मुझे निकालना है क्या? पी स्क्वायर। तो इसको हम क्या करेंगे? इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो बी इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही लिखे हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और लिखा हुआ है एच पी और बी का। तो एच यहाँ से जब रूट्स हटता है, सॉरी स्क्वायर हटता है, तो इधर क्या लग जाता है? रूट्स लग जाता है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या था? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का क्या हो जाएगा? यहाँ से स्क्वायर हटा दो, इधर रूट्स लगा दो, तो रूट्स ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली बी इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कौन मतलब दिए थे? ये पाइथागोरस दिए थे, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कनेक्शन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ एट लीस्ट टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसा मैथ का ब्रांच है जिसमें हम कम से कम दो एक्सिस के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर थ्री एक्सिस लेंगे इट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, लेकिन कम से कम हमें टू एक्सिस लेना है। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है कि ये जो स्लिपिंग लाइन है जिसको हम ओरिजेंटल लाइन बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या फिर ज्योमेट्री में इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं। और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ए लाइन जो ओरिजेंटल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, जब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये दोनों लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, उसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो लाइन है ये फोर पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक राइट साइड हो गया, इस राइट साइड को हम जो वैल्यू लेंगे वो प्लस लेंगे, जिसको हम एक्स से नॉर्मल डिनोट करेंगे। अब साइड भी जो है वो पॉजिटिव में ब्रेक होगा, जिसको भी हम नॉर्मल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड जो लाइन है उसको हम एक्स डैश लिखेंगे, आप फिर माइनस एक्स लिख सकते हैं। जो डाउन साइड है उसको हम वाई डैश लिखेंगे, आप फिर माइनस वाई लिख सकते हैं। दोनों में से एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। डाउन साइड की जो वैल्यू होगा वो माइनस में होगा और लेफ्ट साइड की जो वैल्यू होगा वो भी माइनस में होगा। फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज फ्रेंच मैथमेटिशियन रेना डिस्कार्ट्स। क्या है आपका फादर? कौन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का? रेना डिस्कार्ट्स। कौन है? प्रशांत चंद्र महालैनोबिस थे। ये कौन थे? ये फादर थे किसका? स्टैटिक्स का। प्रोबेबिलिटी, इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कैलकुलेटिंग द लाइकलीहुड ऑफ गिवन इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कुछ हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आज बारिश होगा या नहीं होगा, तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जिसमें आप संभावना व्यक्त कर सकते हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें हमेशा जो आंसर आएगा वो किसके बीच में आना है? 0 और 1 के बीच में आएगा। अगर 0 से छोटा आ गया, मतलब नेगेटिव नंबर आ गया, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं होगा, मतलब वो रॉन्ग है। और अगर 1 से बड़ा आ गया तो भी हमारा प्रोबेबिलिटी गलत हो जाएगा।
कैलकुलस स्टडी इन क्लास 11th, कहाँ से आप कौन सा क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, जब अगर आप 11th क्लास के बच्चे हैं तो आपको कैलकुलस पढ़ाया जा रहा होगा आपके स्कूल और कॉलेज में। तो कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द कैलकुलेटिंग सच थिंग एज द स्लोप ऑफ कर्व इज कॉल्ड कैलकुलस। सेकेंड क्या है आपका, कैलकुलस इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट हाउ थिंग चेंजेज, कितना कोई भी वस्तु कैसे चेंज कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कैलकुलस, फर्स्ट है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकेंड क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो डिफरेंशिएशन है, जिसको हम डीवाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, और इंटीग्रल कैलकुलस में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इंटीग्रेशन है, जिसको हम इस सिंबल से मतलब डिनोट करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबको हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।